गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों को के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है, वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। इन तैयारी के अंतर्गत अग्निवीर, जो भी एक्स अग्निवीर हैं, वो समय पर इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, यह सीआईएसएफ भी सुनिश्चित करेगी। यह व्यवस्था जहां एक ओर सीआईएसएफ के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीआईएसएफ को एक सक्षम, योग्य एवं प्रशिक्षित मैन पावर मिलेगा, जिससे फोर्स में डिसिप्लिन होगा, ऑपरेशंस में हमारी बेहतर होगी, उसी प्रकार एक्स अग्निवीरों को भी इस व्यवस्था के माध्यम से सीआईएसएफ में सेवा का अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगा, उन्हें सेवा का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके, जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा, जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आएंगे, हम इनको तुरंत लेके और इनको जो है जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी, उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा, और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल के एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। जहाँ तक अग्निवीर को सीआरपीएफ में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा सीआरपीएफ का जो हमारा आरआर है, वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ, तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। और फोर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। जब ये अग्निवीर, जो कि ऑलरेडी आर्मी में ट्रेंड हैं और उन्होंने वहाँ ड्यूटी भी की हुई है, तो फोर्स को एक डिसिप्लिन्ड आदमी ट्रेनिंग के समय ही पहले ही दिन से मिल जाएगा, और उसका फ़ायदा भी होगा, क्योंकि हम उनको उस हिसाब से उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आगे चलते एक हमको आर्मी ट्रेंड व्यक्ति सोल्जर के रूप में मिल जाएगा। भविष्य में जो भी भर्ती आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी, उसमें भी सभी श्रेणियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ना सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा, बल्कि उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो दिसंबर 2026 व जनवरी 2027 में जो पहला बैच अग्निवीरों का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से डिस्चार्ज होगा, उनके लिए ये छूट की सीमा 5 वर्ष होगी। लेकिन उसके तत्पश्चात जो बैचेज आएंगे, उसके लिए ये 3 वर्ष की सीमा की जाएगी। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण छूट जो दी गई है, वो ये है कि जो परीक्षा होगी उसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट की आवश्यकता अग्निवीरों को नहीं होगी। आरपीएफ बहुत उत्सुक है कि जब अग्निवीर आए, हम उनका स्वागत करें अपने बल में, और उनके आने से आरपीएफ को भी एक नई ऊर्जा, एक नई गति और एक नया मनोबल मिलेगा।
सशस्त्र सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। यह संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर्स के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, वो नहीं किया जाएगा।